नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता की रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बस्ती जिले की। ये ढबरैया सुकुल जनपद बस्ती एक गौशाला है। गौशाला एक दो 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 तीन, ये स्टोर रूम है। ये नल लगा हुआ है। ये बड़ा सा मैदान है, 10 बीघा का मैदान है, लेकिन पशु जो है छुट्टा आवारा की तरह घूम रहे हैं। तो योगी सरकार अपना जो है ये गौशाला बनाकर जो है नाकाम है, और यहाँ का किसान परेशान है। धान को बर्बाद कर दे, फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसान क्या करे मजबूरी में, अपना क्या काम करे, क्या ना करे, क्या खाद या भूसा या अपना बच्चों पढ़ाई लिखाई, अपना काम कैसे कर सके। ये देखिए छोटा जानवर है, नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जो है दिख रही है, एक बहुत गौर से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, सरकार को अवगत कराता हूँ कि यहाँ पर ना कोई रहने वाला दिखाने वाला है, न चारा है, ना कुछ है, लेकिन कागज में पूर्ति है कि यहाँ पर पशु हैं, लेकिन पशु के नाम आवारा पशु हैं। बाधा पशु नहीं है, आवारा पशु हैं। ये आवारा पशु घूम करके किसानों का फसल नष्ट कर देते हैं, नष्ट करके यहाँ बर्बाद कर देते हैं। किसान परेशान रहते हैं। कभी भी जो यहाँ पर आज तक कम से कम 5 साल या 6 साल 3 साल से यहाँ पर कोई भी कर्मचारी या कोई प्रधान यहाँ पर देख रेख नहीं कर रहा है। ये सब बना हुआ है, देखिए ये रहने के लिए है। ये जो है जो नादा वगैरह है, जो खाना इनको चारा खिलाया जाता है, उसके बाद में रहने के आवास है, और जानवर का आवास बना हुआ है, हैंडपम्प लगा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ का पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, और किसान का फसल बर्बाद है। जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ की जनता भी लापरवाही कर रहे हैं, और कुछ काम जब मीडिया आती है तो यहाँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। आइए बता, जब मीडिया आ जाती तो बोलने तैयार नहीं रहते, लेकिन कुछ आदमी आते जाते हैं इक्का दुक्का, लेकिन यहाँ का प्रधान, वर्तमान प्रधान जो है, वो उनको फ़ोन किया, कॉल किया, लेकिन दिखाई नहीं पड़े। दूसरे गांव के, ये दूसरे गांव के सलेमपुर के प्रधान जी हैं, जिनसे हमें पूछना चाहते हैं कि कब से बना हुआ है। ये हो गया लगभग 5 साल। जब से यहाँ पे ना कोई चारा आया कि नहीं, कुछ नहीं, यहाँ नामो निशान नहीं आया। और ये लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से बना, 3 करोड़ रुपया सरकार का बर्बाद कर चुका है और ले चुके हैं। किताबों में एक गौशाला बराबर चल रहा है, और यहाँ हकीकत में कुछ मौजूद नहीं है। हाँ, ये जो है यहाँ का जो कहना है कि कागज में चल रहा, खाना पूर्ति हो रहा, पैसा निकल रहा है, आदि जो है मजा काट रहा है, दाल यानी घी मालपुआ काट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है कि कागज में पैसा करोड़ों रुपया घपलाबाजी है। ये बड़ा सा मैदान है, और यहाँ पे रहने के लिए बढ़िया बढ़िया इंतजाम है, लेकिन सरकार का पैसा बर्बाद है और किसान का फसल बर्बाद है। ये देखिए कितने पशु हैं, कम से कम 100 से लगभग में है यहाँ पे। एक ये दिखाइए पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखो, ये बहुत से पशु हैं, जबकि ये बड़ा मैदान है। यहाँ जो धान की फसल बहुत तगड़ा होता है, देखिए जब ये टाइम पाते हैं निकल करके जाकर चल लेते हैं, और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना यहाँ का प्रधान जो वर्तमान प्रधान है वो भी नहीं गौर करते हैं कि यहाँ पे जो है कोई आवे या देखे या कुछ काम करे या नहीं करे, कुछ भी कोई ध्यान नहीं है। और मैं जो है हंगामा टाइम न्यूज़ ब्यूरो ढबरैया सुकुल जनपद बस्ती।